हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने डिटेल क्लास को बहुत अच्छे से देखा होगा। आप लोगों के लिए वो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था और मैंने आपसे कहा था कि इससे संबंधित हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं, तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को क्या खास है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला पॉइंट है, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क का निर्माण गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने करवाया था। दूसरा, यह यूनेस्को की संभावित स्थल सूची में शामिल है। आपको बताना है कि कौन सा इससे संबंधित कथन है जो कि सत्य है। क्या सिर्फ पहला सही है या सिर्फ दूसरा सही है, या पहला दूसरा दोनों सही है, या कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सत्य है। और आपको सॉरी बच्चों, असत्य बताना है कि कौन सा असत्य है। आपको ये बताना है कि कौन सा असत्य है, तो क्या पहला असत्य है या दूसरा असत्य है, या दोनों असत्य है, या कोई भी असत्य नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा असत्य है। और आपका जो पहला है ये तो सही है, लेकिन आपका दूसरा असत्य है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये संभावित सूची में शामिल नहीं है यूनेस्को के। संभावित सूची क्या होता है, यानी कि बहुत सारे स्थलों की हम सूची बनाते हैं और उसको यूनेस्को के पास भेजते हैं, उसमें से जो भी स्थल होते हैं यूनेस्को उसको चूज़ करता है। तो यानी कि आने वाले भविष्य में कौन से स्थल यूनेस्को के द्वारा चूज़ किए जाएंगे, उन्हीं को संभावित सूची में रखा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा किन अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों के रूप में संरक्षित किया गया है। मैंने कहा था कि याद रखिएगा 2016 लेटेस्ट है और 2021 भी याद कर लीजिएगा। बताइएगा क्या छऊ है, योग है, नवरोज है, संकीर्तन है। क्या पहला दूसरा है छऊ और योग, या पहला दूसरा तीसरा है, या दूसरा तीसरा है, और या दूसरा तीसरा चौथा है। तो आपको पता है दो अमूर्त ऐसे चीज़ें हैं जिनको 2016 में दिया गया है, अमूर्त सांस्कृतिक रूप में शामिल किया गया है। एक तो आपका है योग और दूसरा है नवरोज। तो दूसरा तीसरा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर में विचार करें और कौन सा गलत है ये बताएं। पहला है, पट्टदकल समूह स्मारक यूनेस्को द्वारा 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दूसरा, पट्टदकल समूह स्मारक केवल बेसर शैली के मंदिर जो हैं वो केवल बेसर शैली में बने हैं, इसीलिए प्रसिद्ध हैं। तीसरा, मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टदकल समूह स्मारक का भाग है। और चौथा, पट्टदकल समूह स्मारक मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है। ये सारे पॉइंट हमने डिटेल क्लास में डिस्कस किया है। अब आपको बताना है बच्चों कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। और मैंने कहा है कि अक्सर जहाँ पे केवल शब्द हो मोस्टली वो गलत हो जाता है, कभी कभी को छोड़ के वो मोस्टली गलत हो जाता है। तो ये केवल जो कह रहा है कि ये बेसर शैली में है, नहीं, इसमें आप देखेंगे बेसर के साथ साथ नागर शैली भी पाई जाती है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है यानी कि बी, ये गलत हो जाएगा। केवल बेसर नहीं है ये, इसलिए बी असत्य है। सुमेलित कीजिए बच्चों। एक है रानी का बाव है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स हैं, खजुराहो के स्मारक हैं, महाबलीपुरम के स्मारक है। दूसरे तरफ दिया है कि किस शैली में कौन सा बना है। मैंने आपको बताया था शैलियों के बारे में, प्राचीन काल में जो है नागर, बेसर, द्रविड़, गोथिक, अरेबियाई, सारे शैली आप जानते हैं कि कहाँ पे इनका प्रचलन है और इसके जो विस्तार में किसने योगदान दिया है। तो आपको बताना है, रानी का बाव गुजरात में है आपको पता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र का है, खजुराहो के स्मारक आप जानते हैं ये मध्य प्रदेश का है, और महाबलीपुरम के स्मारक दक्षिण के हैं, और दक्षिण में महाबलीपुरम तमिलनाडु का है, यानी कि ये द्रविड़ शैली में होगा। तो देख लेते हैं महाबलीपुरम का क्या होगा, द्रविड़। डी का टू किस में है, ऑप्शन नंबर ए में ही डी का टू है। अब आप बड़े आसानी से इसको मिला सकते थे, और अगर और भी आसान चाहते हैं तो रानी का बाव गुजरात में है और वहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, तो इससे मैच करेगा। शिवाजी का जो छत्रपति टर्मिनल से इसको अंग्रेजों ने बनवाया है, तो जाहिर सी बात है ये गोथिक शैली में होगा, और खजुराहो के स्मारक मैंने आपको बताया था नागर शैली में बने हुए हैं, तो ये आपका सुमेलन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है। पहला है, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में सदस्यों की संख्या 58 होती है। दूसरा, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुसंगी निकाय है। तीसरा, यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड इसके दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करता है। और चौथा, यूनेस्को का महासम्मेलन वर्ष में एक बार अवश्य होता है। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट है
जो कि सत्य है। और आपको पता है कि इसमें कौन से सत्य हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया। यूनेस्को का जो महासभा है वर्ष में एक बार अवश्य होता है, नहीं, दो वर्ष में एक बार होता है। मैंने डिटेल क्लास में आपको बहुत ही अच्छे से बताया था। तो आपका चौथा तो नहीं होगा, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। चौथा आपका एलिमिनेट करेंगे, ये असत्य हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि कौन सा गलत है, तो ये चौथा वाला तो नहीं होगा, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसके अलावा यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड इसके दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करता है, ये भी गलत है। तो आप देखेंगे सिर्फ पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसका कोई भी स्थल विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल नहीं है। पहला उत्तराखंड, दूसरा है गोवा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा है कर्नाटक। काफ़ी आसान है, हमने डिटेल क्लास में देखा है कि कौन से राज्य से कौन सी चीज़ें ली गई हैं, और आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का कोई भी स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा किला विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। आपने किले को देखा था सामूहिक रूप से कौन कौन से किले शामिल किए गए थे, तो क्या मेहरानगढ़ का किला नहीं शामिल है, या गांगे रोन किला नहीं शामिल है, या कुंभलगढ़ का किला नहीं शामिल है, या जैसलमेर का किला नहीं शामिल है। तो आपको बताना है बच्चों विश्व विरासत सूची में कौन सा है जो कि शामिल नहीं है। तो आपने देखा था डिटेल में, वहां पे आपने देखा था ऑप्शन नंबर ए का मेहरानगढ़ का जो किला है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विश्व स्मृति रजिस्टर की विशेषता है। विश्व जो आपकी स्मृति रजिस्टर की विशेषता है क्या है, इसमें दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जाता है। दूसरा, दस्तावेज शामिल करने हेतु किसी व्यक्ति द्वारा नामित किया जा सकता है। तीसरा, इसमें ऑडियो विजुअल दस्तावेज शामिल हैं। और चौथा, दस्तावेज शामिल करने का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय परामर्श समिति द्वारा लिया जाता है। तो आप देखेंगे बच्चों ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, इनको रिविज़न कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपके लिए नए हैं लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल भारत द्वारा यूनेस्को को भेजी गई संभावित स्थल सूची में शामिल नहीं है। तो पहला है अहमदाबाद का प्राचीन शहर, फिर है स्वर्ण मंदिर अमृतसर, फिर है भारत का विशिष्ट साड़ी बुनाई केंद्र समूह, और चौथा है जंतर मंतर जयपुर। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आपको पता है कि कौन सा है जो संभावित सूची में नहीं भेजा गया। आपको पता है जंतर मंतर जयपुर पहले से ही शामिल है, तो ये तो भेजा नहीं जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस जगह डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख सुरक्षित हैं। नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या पुडुचेरी। तो आपको बताना है बच्चों कि निम्नलिखित में से भारत के किस जगह डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख सुरक्षित हैं, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा स्थल है। आई होप आपने सही कर लिया होगा, और ये आपके लिए काफ़ी आसान है और इम्पॉर्टेंट भी। आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं और आपको उसमें से बताना है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चेन्नई में है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख सुरक्षित हैं। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। आपको बताना है फारसी और भारतीय वास्तुकला का कौन सा मिश्रण से बना इमारत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ। क्या ये कुतुब मीनार है, या लोदी का मकबरा है, या हुमायूं का मकबरा है, या लाल किला है। तो आपको बताना है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि भारतीय और फारसी वास्तुकला का सम्मिश्रण कौन सा इमारत है। हुमायूं का मकबरा, इसी के जो है डिज़ाइन के लिए बुलाया गया था फारस से वास्तुकार को, और ये मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया है। निम्न में से कौन सा राजवंश खजुराहो के मंदिर के निर्माण से संबंधित है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। क्या ये परमार से संबंधित है, मौर्य से संबंधित है, चंदेल से संबंधित है, या होलकर से संबंधित है। तो आपको बताना बच्चों कि कौन सा राजवंश संबंधित है खजुराहो मंदिर के निर्माण से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं ये चंदेल वंश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक की पांडुलिपियों को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो पहला है आपका अभिधम्म पिटक, दूसरा है महाभारत, तीसरा है रामायण, और चौथा है ऋग्वेद। तो आपको बताना है कि किसकी जो है पांडुलिपियों को
शामिल किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे ऋग्वेद के श्लोकों को शामिल किया गया है, पांडुलिपियों को शामिल किया गया है इसके रजिस्टर में जो यूनेस्को बनाता है। निम्न में से किस यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में किसे शामिल किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। क्या ये दिलवाड़ा का मंदिर है, या कालका शिमला रेलवे है, या भीतरकनिका मैग्रो क्षेत्र है, या विशाखापत्तनम से जो है आर्क घाटी रेलवे लाइन है। और आपने इसको डिटेल क्लास में पढ़ा भी था, जिसमें आपने देखा था कि जो कालका शिमला रेलवे है इसको शामिल किया गया है, अन्य को शामिल नहीं किया गया है अभी। नेक्स्ट है, यूनेस्को की स्थापना वर्ष कितने, मतलब कितने देश शामिल थे। पहला तो स्थापना वर्ष बताना है कि स्थापना वर्ष क्या है, और एवं कितने देश इसमें शामिल हैं ये भी बताना है। तो क्या ये नवंबर 1945 में बना है और 195 देश हैं, या दिसंबर 1954 में स्थापना हुई 200 देश हैं, या जो है फरवरी 1945 में इसकी स्थापना हुई और 190 देश हैं, या मार्च 1945 में स्थापना हुआ और 198 देश हैं। तो मैंने कहा था कि आप ज़रूर याद रखिएगा कि कितने देश हैं और कब बना है। आपको पता है नवंबर 1945 को बना है, 195 देश हैं और 46 में भारत इसका सदस्य बना है, ये भी याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आगरा का किला क्या उत्तर प्रदेश में है? अजंता की गुफाएं क्या महाराष्ट्र में है? महाबलीपुरम के स्मारक क्या तमिलनाडु में है? एलोरा की गुफाएं क्या महाराष्ट्र में है? तो ये तो आपके लिए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आपने अच्छे से पढ़ा है इसलिए आपके लिए इजी है, और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए यही मुश्किल हो जाता है। आपको पता है एलोरा की गुफाएं यहां नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में है, तो एमपी नहीं होगा। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कोणार्क का सूर्य मंदिर को क्या 1984 में शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में? महाबलीपुरम के स्मारक को क्या 1980 में इसको शामिल किया गया? क्या गोवा के चर्च को 1986 में शामिल किया गया है? क्या ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया है? और ये सारे आपको पता है कि क्या सही होगा। आपको मैंने डिटेल क्लास में बताया था कि जो महाबलीपुरम के स्मारक हैं ये गलत हैं, ये भी 1984 की घटना, इसलिए ये 80 नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एलिफेंटा की गुफा क्या ये महाराष्ट्र में है? महाबोधि मंदिर क्या ये बिहार में है? चित्तौड़गढ़ का किला क्या ये राजस्थान में है? क्या रानी काबाव बिहार में है? ये भी आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसको हमने डिटेल क्लास में पढ़ा था। ये किस राज्य में है, किस राजा ने बनाया है, ये सारी बातें हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ये गुजरात का है। कौन सा सुमेलित नहीं है? रामलीला को क्या 2008 में शामिल किया गया यूनेस्को में? कुडियट्टम को क्या 2005 में शामिल किया गया यूनेस्को को में, या रम्मान को 2009 में शामिल किया गया है? क्या संकीर्तन को 2013 में शामिल किया गया है? मैंने कहा था डेट याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, डेट तो नहीं लेकिन ईयर तो आपको याद ही होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आपको पता है कुडियट्टम जो है ये 2008 की घटना है, 2005 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका आ सकते हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक स्थल में शामिल नहीं है? क्या काजीरंगा नेशनल पार्क प्राकृतिक स्थल में शामिल नहीं है? या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक स्थल में शामिल नहीं है? या पश्चिमी घाट जो है ये प्राकृतिक स्थल में शामिल नहीं है? या भीमबेटका की गुफाएं प्राकृतिक स्थल में शामिल नहीं है? तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्राकृतिक स्थल बताने हैं, और आपको पता है कि ये सारे आपके प्राकृतिक नेचुरल हैं, लेकिन जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये जो है आपके प्राकृतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक में आता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। ये जो है इंसानों ने यहाँ पे जो है पेंटिंग बनाया, कलर भरा है, इसलिए इंसानों के द्वारा निर्मित सांस्कृतिक हैं, और ये सारे नेचुरल हैं जिसको नेचर ने बनाया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा होगा और आपका पुराना अच्छे से रिविजन हो गया होगा, और ये आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो, ऐसी हमारी उम्मीद है और ऐसी हमारी शुभेच्छा है। तो ऐसे ही मेहनत करते रहें, आगे हम और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे नए क्लास में और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।